नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए बनाते हैं आज गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने 1 किलो गाजर लिए, इसे अच्छे से धो के साफ कर लिया है और मोटे साइड से कद्दूकस कर लिया। 1 लीटर दूध, 250 ग्राम चीनी, मैंने 20-25 बादाम लिए हैं जिसे मैंने लंबे वाले को काटे हैं हलवे में डालने के लिए, और ये बड़े काट रखे हैं हलवे में गार्निशिंग करने के लिए। 10 काजू लिए हैं, इसे मैंने थोड़ा मोटा काट लिया है। 2 बड़े चम्मच किशमिश, 1 छोटा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर, 2 चम्मच देसी घी। सबसे पहले हमने गैस पर कढ़ाई रखी है और उस पे हम गाजर को डाल देंगे। अब इसमें हम दूध को भी डाल देंगे। और दोनों को तेज आंच पर पकाएंगे। हम गाजर और दूध को तब तक पकाएंगे जब तक कि दूध इसका सूख ना जाए और हमने गैस की फ्लेम हाई कर रखी है। इसे हम बराबर चलाते हुए पकाएंगे। दूध को गाढ़ा होने में करीब आधा घंटे का समय लग जाता है। आप देख रहे हैं कि दूध गाढ़ा हो चुका है, इसे हम 5 मिनट और गाढ़ा करेंगे। आधा घंटा हो चुका है और दूध भी गाजर में अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। अब इस पे हम शक्कर मिला देंगे। शक्कर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी डालने के बाद थोड़ा सा और सूखने दूंगी, इसके बाद में देसी घी डाल के भूनूंगी। आप चाहिए तो इसमें मावा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने मावा का यूज़ नहीं किया क्योंकि मैंने जितनी गाजर ली है उतने ही दूध लिया है। आप देख रहे हैं कि चीनी भी गाजर में अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई है। अब हम डालते हैं देसी घी। देसी घी डालकर हलवे को अच्छी तरह से भून लूंगी। हलवे को मैं 10 से 15 मिनट तक और भूनूंगी और फ्लेम को मैंने मीडियम से हाई रखा है। पांच से 7 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। ये बादाम और ये किशमिश और छोटी इलायची का पाउडर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गाजर और दूध को एक साथ पकाने में जो दूध की मिठास गाजर में आ जाती है वो खोए की कमी को दूर कर देती है। हम 2-3 मिनट हलवे को और भून लेंगे, फिर गैस को बंद कर देना। हलवा बनके तैयार हो गया है। अब मैं गैस ऑफ करती हूँ और बाउल में परोस लूंगी। हलवा बनके तैयार हो गया है। इसे आप बनाइए, खुद खाइए और मेहमानों को खिलाइए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।